असल में नापिए अपने आप को, नंबर एक अल्लाह की रजा पर राजी रहने की कैफियत कितनी पैदा हो गई। आप अंदर ही अंदर अल्लाह ताला से लड़ाई तो नहीं लड़ रहे, अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ने का मतलब क्या है? ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ये किसने कर दिया, वो उसने कर दिया, उस पर सदमा, इस पर रंज, ये जो शक्लें हैं दर हकीकत ये अंदर ही अंदर है। और ये किसके साथ लड़ाई हो रही? अल्लाह के साथ लड़ाई हो रही। मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बह। ये है असल में कि जो मेयार अव्वलीन मुअय्यन किया, इताअत को भी बाद में लाए हैं, वातीउल्लाह वातीउर रसूल वइन तवल्लैतुम फइन्नमा अला रसूलिना अल-बलाग़ुल मुबीन। इताअत भी बाद में है, असल में तो ये इंटरनल एक कैफियत है। ईमान अल्लाह पर होने का जो सबसे पहला मजहर है वो ये कि आपके अंदर अल्लाह से लड़ाई ना हो रही, अल्लाह के साथ नाराजगी ना हो, कोई शिकवा शिकायत अल्लाह के खिलाफ आपके दिल में परवान ना चढ़ रही, बल्कि ये कि उसकी रजा, उसकी रजा जो भी राजी है, जो अल्लाह की तरफ से आया है कि हर के साथ ये मारे अख्तियार अल्ताफ।